गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, द एज ऑफ एम्पायर एंड असेंबलीज, यानी साम्राज्य और विधानसभाओं का जो युग है उनके बारे में। इस चैप्टर हम लोग फोकस करेंगे जनपद और महाजनपद के बारे में। तो चलिए देखते हैं जनपद से महाजनपद। एज वी हैव रीड इन द अर्लियर चैप्टर, जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, पीपल इन द वैदिक एज, वैदिक एज के दौरान लोग वेयर ऑर्गेनाइज इंटू ट्राइब्स कॉल्ड जन, वो जुड़े हुए थे एक दूसरे से किसके थ्रू, ट्राइब्स में जिसे जन कहा जाता था। द आर्यंस रोम्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पास्चर, आर्यंस एक जगह से दूसरे जगह जाते थे चारा की खोज में। दिस वाज इन द अर्ली वैदिक एज, यह अर्ली वैदिक एज में होता था। बाय द लेटर वैदिक एज, उसके बाद लेटर वैदिक एज में दे हैड स्टार्टेड टू प्रैक्टिस, उन्होंने स्टार्ट किया प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, खेती करना। एंड हैड लार्जली सेटल डाउन, और क्या वे धीरे धीरे वो पूरे विस्तृत रूप से सेटल होने लगे। दी सेटलमेंट्स आर नोन एज जनपद्स, इस सेटलमेंट को जनपद कहा जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ जनपद वाज, जनपद का फॉर्मेशन वाज फैसिलिटेटेड बाय द एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन, इसके कारण आयरन का ज़्यादा यूज हुआ इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार फ्रॉम 500 BCE ऑनवर्ड, 500 BCE के दौरान ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न ईस्टर्न प्रदेश में टूल का ज़्यादा यूज हुआ। द यूज ऑफ आयरन टूल्स, आयरन टूल्स के यूज के उपयोग से और इम्प्लीमेंट मेड इट, और उनके कारण जो उपकरण बनाया गया, इज इजी फॉर द पीपुल, या लोगों के लिए आसानी हुआ टू क्लियर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को साफ करना। एंड ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन, और खेती के लिए ज़्यादा ज़मीन निकालना। विथ बेटर एंड मोर इफिशियंट, बेहतर और ज़्यादा पर्याप्त टूल लाइक द आयरन प्लॉशेयर, आयरन लोहे हल एंड होए, दे बिगेन प्रोड्यूसिंग, ये बनने स्टार्ट हो गए सरप्लस क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए। द स्टेट फ्लोरिस्ट, इस कारण से व्यापार में भी वृद्धि हुई। एंड देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स इन सिटीज, और टाउन्स और सिटीज का डेवलपमेंट होने लगा। द पीपुल ऑल्सो शिफ्ट देयर लॉयलिटी, लोगों ने शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने लॉयलिटीज को, फ्रॉम देयर ट्राइब्स, अपने ट्राइब्स में और जन्स में, टू द टेरेटरीज, टेरेटरीज और जनपद के तरह, यानी लोग क्या किए, अपने आप को शिफ्ट करना शुरू कर दिया ट्राइब्स से टेरेटरीज के तरह, जनपद के, दैट दे बिलोंग टू, जिससे वे बिलोंग करते थे। इस जनपद हैड ए किंग, प्रत्येक जनपद में एक किंग होते थे। देयर वेयर मेनी वेज, बहुत सारे तरीके थे, बाय व्हिच ए पर्सन, जिस के द्वारा एक पर्सन कुड बिकम द किंग, राजा बन सकता था। समटाइम्स, कभी कभी ए किंग वाज इलेक्टेड, कभी कभी राजा चुना जाता था। एट अदर टाइम्स, जबकि दूसरे तरफ ए पर्सन बिकेम किंग बाय डिफीटिंग द अर्लियर किंग, एक आदमी राजा बनता था दूसरे राजा को हराकर। एंड ऑल्सो विक्टोरियस वॉरियर्स ऑल्सो बिकेम किंग्स एट टाइम्स, और जो योद्धा होते थे वे भी किंग बनते थे। दीज राजा समटाइम्स परफॉर्म यज्ञ, ये राजा कभी कभी यज्ञ करते थे, सच एज द राजसूय यज्ञ, जैसे कि राजसूय यज्ञ या फिर अश्वमेध यज्ञ, यज्ञ टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी, अपने अधिकार को जमाने के लिए। एंड टू एक्वायर लार्ज टेरिटरीज, और ज़्यादा क्षेत्र पे अपना कब्जा जमाने के लिए। फॉर द हेड ऑफ ए जन, जन के जो हेड होते थे, टू बिकम द राजा, राजा बनते थे ऑफ द जनपद, जनपद का, ही हैड टू परफॉर्म सेंट्रल यज्ञ, वे उसके लिए यज्ञ करते थे। सम ऑफ दिस जनपद, इन जनपद में से सम टाइम्स बिकम लार्जर, बड़े हो जाते थे। एंड मोर पावरफुल देन अदर, और दूसरे से ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे। दिस जनपद वेयर, ये जनपद वेयर महाजनपद, महाजनपद से, यानी जब जनपद बड़े हो जाते थे उसे महाजनपद कहा जाता था। समटाइम्स, कभी कभी, दे फाउट वार्स अगेंस्ट ईच अदर, वे एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई लड़ते थे। फॉर ग्रेटर टेरिटरीज एंड ग्लोरी, ज़्यादा क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए और प्रसिद्धि पाने के लिए। दीज जनपद एंड महाजनपद वेयर समटाइम्स, ये जनपद और महाजनपद कभी कभी
रिपब्लिक और गणसंघ एंड वे रूल, ये क्या हो जाते थे, रिपब्लिक हो जाते थे यानी गणतंत्र हो जाते थे, एक दूसरे से अलग एक दूसरे मिल जाते थे एंड वे रूल्ड और शासन करते थे बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होता था वहाँ चुने जाते थे उनके द्वारा वो क्या करते थे, राज करते थे। मोस्ट ऑफ देम हाउएवर हैड हेरेडिटरी रूलर्स, उनमें से ज़्यादातर हेरेडिटरी रूलर्स से यानी जो पहले राजा होते थे उन्हीं के बेटे फिर से राजा बनते थे। नेक्स्ट आता है महाजनपद। फ्रॉम द बुद्धिस्ट के समय से जैन एंड वैदिक लिटरेचर, जैन और वैदिक लिटरेचर वी गेट टू नो, हम लोगों को पता चलता है दैट देयर वेयर 16 महाजनपद, नहीं 16 महाजनपद थे द 16th century BC के दौरान। दीज वेयर यथे मगध, अवंती, कोसाला, वत्स, वाजी, पंचला, मत्स्या, सुरासेना, अश्माका, कंबोजा एंड गंधार, ये सब क्या थे, महाजनपद थे। एमोंग द 16, उन 16 में से मगध, कोसाला, वत्सा एंड अवंती वेयर द मोस्ट पावरफुल, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। दीज महाजनपद्स इन्वेडेड एंड टू कंट्रोल ओवर द स्मॉल जनपद्स, ये महाजनपद्स इन्वेड क्या करते थे, इन्वेड आक्रमण करते थे एंड टू कंट्रोल, और कंट्रोल अधिकार कर लेते थे छोटे जनपद्स पे। इवेंचुअली धीरे धीरे मगध इमर्ज्ड एज, मगध सामने आया द स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद, सबसे बड़े महाजनपद के रूप में। अब चलिए मगध के बारे में पढ़ते हैं। द प्रेजेंट बिहार, बिहार का प्रेजेंट बिहार का वाज व्हाट कंस्टिट्यूट मगध, जो है वही क्या है, मगध है। बिंबिसार फ्रॉम द हरियंका डायनेस्टी, बिंबिसार जो हरियंका डायनेस्टी थे वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ मगध, ये मगध के क्या थे, महत्वपूर्ण रूलर थे। ही वाज द सन ऑफ भाटिया, भाटिया वह भाटिया के बेटे थे। हिज एनेक्सेशन ऑफ द किंगडम, उनका राज्य हरण के का जो हिज एनेक्सेशन, उनका इच्छा था यानी कि वो क्या करते थे, दूसरे के राज पर आक्रमण करके उनको छीनने का जो उनका मोटो था, एंक्टो द ईस्ट, ईस्ट के तरफ ज़्यादा था। लेट द फाउंडेशन फॉर द लेटर एक्सपेंशन, जिसके कारण वह विस्तार हुआ ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्य एम्पायर का लेटर ऑन बाद में। ही यूज द पॉलिसी ऑफ मेरिटियल अलायंस, उन्होंने यूज किया पॉलिसी को अपनाना मेरिटियल अलायंस यानी जो दूसरे जनपद के राजा होते थे उनके बेटियों शादी करके, टू एक्सपेंड हिज किंगडम, अपने अपने किंगडम साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। ए ट्रेडिशन विच वाज नॉट येट सीन इन एनी डायनेस्टी, जो कि अभी तक किसी डायनेस्टी के द्वारा नहीं देखा गया था। ही ऑल्सो यूज ए पॉलिसी ऑफ सेंडिंग इन वॉइस टू स्ट्रेंथन द बायलेटरल रिलेशनशिप, वे यूज करते थे पॉलिसी ऑफ सेंडिंग यानी दूत भेजने के तरीके को, टू स्ट्रेंथन द बायलेटरल रिलेशनशिप यानी दूसरे देशों से कि हमारे साथ संबंध अच्छा करो, हमसे मिल जा। बिंबिसार हैड फोर वाइव्स, बिंबिसार की चार पत्नियां थी। दे वेयर ऑल मैरिड टू हिज, उन चारों ने उनसे शादी किया था बिकॉज ऑफ हिज एनेक्सेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव किंगडम, उनके जो वे जो राज को जीतने वाले थे उन्हीं राज्यों के लड़कियों से राजकुमारियों से उन्होंने क्या किया था, शादी किया था। द फोर क्वींस ऑफ बिंबिसार वेयर, बिंबिसार की चार रानियां कौशाला देवी, चेलना, खेमा एंड वैदेही। दिस प्रूव्स दैट, यह प्रूव करता है कि दैट बिंबिसार यूज मैट्रिमोनियल अलायंस टू एक्सपेंड हिज किंगडम, यानी बिंबिसार जो थे वो क्या करते थे, शादी कर लेते थे यानी मैट्रिमोनियल पॉलिसी अपनाते थे दूसरे राज्य को हथियाने के लिए, हड़पने के लिए। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए कौशाला देवी ब्राउट काशी अंडर हिज रूल, कौशाला देवी के कारण काशी उनके रूम में उनके अंदर अधिकार क्षेत्र में आ गया। बिंबिसार वाज ग्रेट इन मिलिट्री स्किल एज वेल, बिंबिसार का जो मिलिट्री स्किल था यानी सैन्य क्षमता था वो भी क्या था, बहुत अच्छा था। ही डिफीटेड ब्रह्मदत्त ऑफ अंग, उन्होंने अंग के ब्रह्मदत्त को हराया एंड एनेक्स्ड अंग इन मगध, और मगध को
अंग को मगध में मिला दिया। फर्दर टेरेटरीज वेयर ऑल्सो एनेक्स्ट द मगध बाय बिम्बिसार। उसके बाद उसके टेरेटरीज को भी जीत लिया गया बिम्बिसार के द्वारा और मगध में मिला दिया गया। बिम्बिसार लाइफ इंडेड इन ट्रेजडी। बिम्बिसार का लाइफ एक दुखद तरीके से खत्म हुआ। ही वॉज इम्प्रिजेंट बाई हिज सन अजात शत्रु हु स्टार्व हिम टू डेथ। उसे उनके बेटे अजात शत्रु के द्वारा गद्दी से हटा दिया गया। हु स्टार्व हिम इन टू डेथ और जो उन्हें भूखे रखा जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। बिम्बिसार वॉज ए वेरी इफिशियंट पॉलिटिशियन। बिम्बिसार एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। हु हैड ए क्लियर विजन, जिनका एक क्लियर विजन था ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर। ही वॉज नोन एज श्रेणी, वे जाने जाते थे श्रेणी के नाम से। एज पर जेन टेक्स्ट में विच मीन्स दैट, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है दैट ही हैड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, कि उनके पास एक बहुत बड़ा आर्मी था। आफ्टर बिकमिंग ए किंग ऑफ एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल की उम्र में किंग करने के बाद, ही नॉट ओनली एक्सपेंड द एम्पायर, उन्होंने केवल एम्पायर अपना साम्राज्य को नहीं बढ़ाया, बट ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड बोथ द राइजिंग रिलीजियस एट द टाइम, और उन टाइम जो रिलीजियस धर्म था उनको भी उन्होंने विस्तार किया। हिज सक्सेस वॉज ऑल्सो ड्यू टू द इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन। उनका सक्सेस का कारण ये भी था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका जो शासन व्यवस्था थी वह क्या था, बहुत अच्छा था। मशीनरीज इन द राजभट, मैसनरी राजभट में और महामत दैट इज रॉयल ऑफिसर्स वे डिवाइडेड इनटू मेनी क्लासेस, यानी शासन व्यवस्था के दौरान बहुत सारे ऑफिसर, रॉयल ऑफिसर थे जिन्होंने क्या किया, बहुत अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया था, और जो जिसके कारण उनका शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। आज की क्लास में इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। बाय, टेक केयर।